गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू? आज मैं आप लोग एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के 30 से 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि ईएस गेट, असिस्टेंट इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियरिंग, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए, क्वेश्चन में सीरीज में चलेंगे, वीडियो लेक्चर बैक टू बैक आएंगे। और सीरीज में ये पार्ट वन है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन टाइप है। असर्शन में दिया है द कंजप्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। ये बताना सही है या गलत है। सेकेंड है हाइयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेस मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। अब ये बताएं, ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बी है, दोनों सही है और ए जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। डी ऑप्शन है, ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। कंजम्पशन जो होता है वाटर का, इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। हाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर, ये भी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा लॉस उतना ही ज़्यादा होगा और वाटर का वेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स जितना ही वाटर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा वाटर होगा इतना ही ज़्यादा लॉस भी होगा और वेस्ट भी होगा वाटर। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आज जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असन जन टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर ई एस और गेट में आते हैं, कभी कभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी आ जाते हैं, जो स्टेट में ए के एग्जाम होते हैं, जो जेई में बहुत कम ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। ऑप्शन वन क्लाइमेटिक कंडीशंस, सेकंड क्वालिटी ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। ऑप्शन है क्लाइमेटिक कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। तो तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। मतलब क्या हुआ, जो पर कैपिटा जो कंजम्पशन होता है वाटर का किससे अफेक्ट होगा? क्लाइमेटिक कंडीशन का ही अफेक्ट होता है, क्वालिटी ऑफ वाटर का ही अफेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर जितना है ज़्यादा इसके कारण भी अफेक्ट होगा। तो मतलब तीनों पर डिपेंड करता है, पर कैपिटल कंजम्पशन। ऑप्शन थर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेस अ डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। मतलब क्या कारण है जो पर कैपिटा कंजम्पशन जो यूज करते हैं हम लोग वाटर का वो डिक्रीज हो जाए, किसके कारण? यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, सी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, हॉटर क्लाइमेट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका होगा यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम। अगर मीटरिंग सिस्टम अगर हम कनेक्शन पाइप कनेक्शन लगा दें तो इसके कारण बिल आएगा, उसके कारण जो है कि मतलब वाटर का वेस्टिंग भी कम होगा और जितना यूज हो इतना ही हम लोग पानी यूज करेंगे, इससे पर कैपिटा कंजम्पशन भी घटेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजली टेकन हैज। तो करेक्ट आंसर इज 1.5। आवरली वेरिएशन फैक्टर जो होता है लेते हैं 1.5 होता है। एक डेली वेरिएशन फैक्टर भी होता है, एवरी डेली वेरिएशन फैक्टर भी होता है, तो यहाँ आवरली वेरिएशन फैक्टर है तो 1.5 होता है आवरली वेरिएशन फैक्टर। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन नहीं बोला कि ए बी सी डी, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा।
इफ द एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ ए सिटी इज 100,000 m³, द मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पिक आवरली डिमांड विल बी, तो इसका आंसर होगा 22,17,000 m³। सिक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आर डिजाइन फॉर, तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो आंसर होगा मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यहाँ दिया हुआ है, तो इसको डिजाइन करते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। क्वेश्चन नंबर 7, एज कम्पेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन, एथमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स लेसर वैल्यू, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के कंपेयर में एथमेटिकल इंक्रीज मेथड का जो देता है ये लेसर वैल्यू देता है, ये मतलब लेस एक्यूरेट है, जहाँ कि जियोमेट्रिकल मेथड और एथमेटिकल इंक्रीज मेथड में डिफरेंस क्या है, तो जियोमेट्रिकल मेथड जो होता है ना वे यंग सिटी के लिए होता है, और यंग सिटी के लिए होगा, और एथमेटिकल इंक्रीज मेथड होता है जो ओल्ड सिटीज़ के लिए होता है। नाउडेज हम लोग जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं फॉर पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कंजुगेटिव ईयर्स आर 5,000, 7,000 and 8,400 respectively, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट कंजुगेटिव ईयर अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, तो करना क्या है कि पहले इनमें डिफरेंस जो कंजुगेटिव ईयर दिया है तो डिफरेंस क्या है, तो वो लिख देंगे 5,000, 7,000 इसको घटाएंगे, फिर 8,400 से इसको घटा कर लिख देंगे, फिर जो जो कंजुगेटिव ईयर जो दो डिफरेंस इसको घटा कर जो आएगा इसका एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज निकालेंगे ना, क्वेश्चन क्या है पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट कंजुगेटिव ईयर, मतलब नेक्स्ट ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का दिया हुआ है 48,400, और फोर्थ ईयर पूछ रहा है, तो करना क्या है जो एवरेज जो आया है बस, तो लास्ट थर्ड ईयर का जो पॉपुलेशन है 8,400 प्लस जो एवरेज आया है इसको जोड़ देना है, बस वही फोर्थ कंजुगेटिव ईयर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द सूटेबल मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज, जैसे अभी तुरंत मैंने बताया था यंग सिटी के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, यंग और रैपिडली इंक्रीजिंग, अगर वही ओल्ड और स्लोली इंक्रीजिंग सिटी के लिए तो अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड आंसर होता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द डिप्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम, डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, मतलब वाटर टेबल जो होता है डिक्रीज हो रहा है, जो पंपिंग हम लोग करते हैं मोटर से इसके कारण जो ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो वही बोले हैं मैक्सिमम कब होता है, तो आंसर होगा क्लोज टू द वेल, जो वेल के नज़दीक जो होता है ना वो वहाँ पर डिप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन ए वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ हुआ क्लोज टू द वेल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड, द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स इज आर कॉल्ड इंटेक्स, मतलब इंटेक्स डिवाइस यूज करते हैं वाटर को ड्रॉइंग करने के लिए, मतलब निकालने के लिए। अच्छा अब मैं आंसर बाद में दिखाऊंगा, पहले आप भी टिक लगा से बता सकते हैं या कमेंट कर दीजिए अपना अपना आंसर कि क्या होता है, आप भी कमेंट में बता दीजिए मतलब क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है। सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन, इन तीनों में रिलेशन बताना है, तो वो बहुत ईजी है, ये क्या था स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल होता है पोरोसिटी,
तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव इक्वल स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन ए ट्यूबवेल इज, मतलब ट्यूबवेल में किस तरह वाल्व प्रोवाइड करते हैं? तो प्रोवाइड करते हैं रिफ्लक्स वाल्व। रिफ्लक्स वाल्व को चेक वाल्व भी कहते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व भी कहते हैं। मतलब वो इसका काम क्या होता है कि जो वाटर का जो फ्लो होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ट्यूबवेल इज अबाउट, ट्यूबवेल का मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है? 50 लीटर पर सेकेंड होता है। वो सब रटने वाला चीज़ है, आपको याद रखने ही होंगे ये सब, तो ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज ट्यूबवेल का होता है 50 लीटर पर सेकेंड। वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, खासकर JPSC UPSC यही एग्ज़ाम में, या BPSC यही कभी एग्ज़ाम होगा सिविल का उसके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू शैलो वेल्स डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज। मैं शैलो वेल कंपेयर टू डीप वेल में क्या था, डिस्चार्ज ज़्यादा आता है, मोर डिस्चार्ज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है, एज कम्पेयर टू शैलो वेल्स डीप वेल्स हैव मोर डिस्चार्ज, याद रखिएगा। ग्राउंड वाटर इज यूजली फ्री फ्रॉम, ग्राउंड वाटर मतलब किस चीज़ से फ्री होता है? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, बोर सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताइए? तो ग्राउंड वाटर जो होता है यूजली फ्री होता है फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। ग्राउंड वाटर में जो है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज नहीं होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज जो होता है प्रेजेंट होता है जैसे सरफेस वाटर में, जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक, ओशियन, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होता है। इसे ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द पोल्यूटेड वाटर इज वन बिच, पोल्यूटेड वाटर कौन होता है? ऑप्शन ए कंटेन्स पैथोजन बैक्टीरिया, कंसिस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, सी इज सेफ एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज, डी इज कंटामिनेटेड, बी कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। 17 का आंसर है बी, द पोल्यूटेड वाटर इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज रेंडरिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज कौन नहीं होता है? मलेरिया, तो ये गाइज थोड़ा शरीर में गला खराब हो गया, इसके लिए माफ़ करिएगा। तो डिसेंट्री हो गया, कोलोरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है, लेकिन मलेरिया जो है वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ दिया इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो ऑप्शन डी हो गया मलेरिया। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, सबसे कॉमन कारण क्या है एसिडिटी के वाटर में? कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर इज द करेक्ट। द फेनोलिक कंपाउंड इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन, फेनोलिक कंपाउंड पब्लिक वाटर सप्लाई में कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 0.1, 0.01 PPM, 0.001, 0.0001 PPM। PPM का था पार्ट पर मिलियन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, 0.001 PPM, पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है। द फेनोलिक कंपाउंड्स इन पब्लिक वाटर सप्लाई शुड नॉट बी मोर देन 0.001 PPM, याद रखिए फेनोल कंपाउंड 0.001 PPM से ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 mg/L। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फ्लोराइड का है कितना होता है? 1.5 mg/L, और मिनिमम परमिसेबल लिमिट होता है 1 mg/L, इससे कम नहीं होना चाहिए फ्लोराइड।
और देखिए, मैक्सिमम होता है फ्लोराइड ऑफ वाटर में होता है 1.5 मिलीग्राम लीटर से एक्सीड करेगा तो क्या होगा, तो मतलब डिफ्लोरिसिस हो जाता है एक तरह बोन में, जिसके कारण बोन है कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होंगे फ्लोराइड इन वाटर तो क्या होगा, तो कैविटी का प्रॉब्लम चाइल्ड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एडिटी है ये डायमी स्टैंडर्ड एडिटी है सॉल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन द, देखिए यहाँ एडिटी है, इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, इथिलीन डाई एमिन टेट्रा एसेटिक एसिड, तो ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये डिटरमाइन क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एडिटी से, हार्डनेस इन वाटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे हुए हैं। इफ द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ वाटर देन कोलिफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज, फर्स्ट प्रिजम्पटिव कोलिफॉर्म टेस्ट, कन्फर्म्ड कोलिफॉर्म, कंप्लीटेड कोलिफॉर्म टेस्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा ऐसा क्वेश्चन एक बार दो पर। इफ द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ वाटर देन द कोलिफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज, डी, ऑल ऑप्शन जो है करेक्ट है कि प्रिजम्पटिव कोलिफॉर्म टेस्ट भी करेंगे, कन्फर्म्ड कोलिफॉर्म, कंप्लीटेड कोलिफॉर्म टेस्ट तीनों कंडक्ट करेंगे। अल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड हैज मिलीग्राम्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अल्कलिनिटी जो वाटर में एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ पीएच रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, तो एसिड कौन क्या होता है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से पीएच का मान 7 से कम है तो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होगा तो अल्कलाइन होगा, अल्कलाइन, और ये इसी को बेसिक भी कहते हैं, तो 7 से कम ही होगा ये तो फिक्स है, कि एसिड पूछ रहा है, अब बोल रहा है स्ट्रॉन्गर एसिड, तो जितना कम होगा इतना ही ज़्यादा एसिड एसिडिक होगा वाटर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। विच ऑफ प्रेजेंट स्ट्रॉन्गर एसिड, तो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन ए, टर्बिडिटी को मेजर किससे करते हैं, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल में मेजर करते हैं, टर्बिडिटी को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड सिलिका स्केल में। नेक्स्ट, ऑन स्टैंडर्ड सिलिका स्केल द टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लिमिटेड टू, टर्बिडिटी कितना लिमिटेड रखते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ए, 10 ppm। ये सब याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जब PSC AE या UPSC AE में भी आ सकते हैं, या ES के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय, रेसिडुअल क्लोरीन को कैसे निकाल सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है, स्टार आयोडाइड ऑर्थोटोलिडिन मेथड या डी, नन ऑफ देयर, तो दोनों मेथड है, स्टार आयोडाइड मेथड, ऑर्थोटोलिडिन मेथड, तो रेसिडुअल क्लोरीन जो है वाटर में डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, तो डीजल ऑक्सीजन, बी है रेसिडुअल क्लोरीन, सी है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डी है डोज ऑफ कोवलेंट, तो ऑर्थोडोलिन टेस्ट किस लिए यूज होता है, किसके डिटरमिनेशन के लिए, तो ऑर्थोडोलिन टेस्ट जो है जैसे ऊपर दिया हुआ है वही क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है रेसिडुअल क्लोरीन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स टोटल अल्कलिनिटी द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू, बोला टोटल हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगा टोटल अल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा, कार्बोनेट
कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है, जो मिनिमम होगा दोनों में से, टोटल हार्डनेस और टोटल कंडक्टिविटी में से जो भी मिनिमम होता है वही कार्बोनेट हार्डनेस होता है। तो मिनिमम कौन है, टोटल अल्कलिनिटी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, ये टोटल अल्कलिनिटी। तो कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है 12,000 टोटल अल्कलिनिटी के। अगर टोटल अल्कलिनिटी ग्रेड ज़्यादा होता टोटल हार्डनेस से तो आंसर क्या था, टोटल हार्डनेस। और दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वही कार्बोनेट हार्डनेस होता है। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा अगर पूछता, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है टोटल हार्डनेस माइनस टोटल अल्कलिनिटी। जो भी डिफरेंस आएगा वही नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज अबाउट, रेसिडुअल क्लोरीन कितना होना चाहिए पब्लिक वाटर में। तो करेक्ट आंसर होता है 0.05 से 0.5, रेसिडुअल क्लोरीन होना चाहिए 0.05 से 0.5 ppm। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 32। द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होता है नेचुरल वाटर में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 10 मिलीग्राम पर लीटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो होता है अनपोल्यूटेड वाटर में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, बोला है तो 10 मिलीग्राम पर लीटर। याद रखिएगा 10 मिलीग्राम पर लीटर होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर पर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। ओके नेक्स्ट। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक इज अबाउट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट इन सेडिमेंटेशन टैंक। वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन, लेंथ कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका सी, 4 टाइम्स विड्थ। लेंथ जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक का कोई भी कैसे, 4 टाइम्स इसका विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स इज अबाउट, ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स इज अबाउट, ओवरफ्लो रेट कितना होता है, 500 से 750 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर है, तो रिपीट करिए फिर से। द ओवरफ्लो रेट फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स इज अबाउट 500 से 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। सो गाइज दैट्स ऑल, अब पार्ट टू में इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में 100 तक करवा दूंगा, 75 जितना भी क्वेश्चन बचे हैं अगले पार्ट में लाऊंगा। ये पार्ट वन है, पार्ट टू कल अपलोड करूंगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक्स गाइस।